जब क्लीन क्लीन प्रोसेस होता है
उसमें पानी ड्रेन प्रोसेस होता है, जब पानी जमा रहते हैं उससे क्या इफेक्ट होगा? फीडिंग साइकिल टाइम बढ़ जाता था, ब्लड बजिंग होता था, बिल बिल होता था और वर्कर का मोड कम हो गए, मूरी बढ़ जाता था। वो कैसे होगा? ज्यादा काम कर पानी रहने की वजह से, ड्रेन लाइन में पानी जमा रहने की वजह से, वैक्यूम का लेवल लो होने की वजह से और सोलर और स्टकअप होने की वजह से पानी जमा रहता था। आगे की जानकारी हमारे साथ थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान हमने प्रॉब्लम के कारण जानने की कोशिश की, जैसे जैसे भी फॉलो ना करना, मेन ट्रेनर में पानी रहना, एनर्जी से ना खुलना इत्यादि। फिर उन कारणों के पिछवा डायग्राम के सहारे हमने पूरे में वर्किंग ग्रुप किया, जिसमें मैन मेड मेथड मशीन मटेरियल के तीन तीन कारण। फिर उन कारणों का हमने चेकशीट का सहारा लेके व्यापक करके वैध और अवैध कारणों में विश्लेषण किया। जैसे मेन ट्रेन नॉन इफेक्ट, इसके लिए हमने मशीन पर जाकर दो तीन ब्लैडर काट कर देखे, उस वक्त ब्लैडर में पानी पड़ा गया, इसलिए हमने वह कारण को वैध ठहराया। दूसरा है टेलीस्कोप पाइप चोको बना, यामा विजय के दौरान जब हमने टेलीस्कोप पाइप के ज्वाइंट खोल कर देखे, उस वक्त स्केलिंग की वजह से पाइप में स्केलिंग की वजह से पाइप चोको पाई गई, इसलिए वह कारण भी हमने वैध ठहराया। तीसरा है वैक्यूम प्रणाली में रिसाव, यामा विजय के दौरान जिस वक्त हमने वैक्यूम प्रणाली चेक की, उस वक्त वैक्यूम प्रणाली के माल स्लिप पाइप में काफी जगह पर छेद पाए गए, इसलिए हमने वह कारण भी वैध ठहराया। इसी तरह से हमें जो चार वैध कारण मिले, उन कारणों का हमने डाटा कलेक्शन करके वाई वाई एनालिसिस किया। इसमें जो पहला है मेंटेन नॉट इफेक्टिव, ऐसा क्यों? ब्लैडर में पानी रहने की वजह से, ब्लैडर में पानी क्यों रहता था? मशीन का मेंटेन लेवल मेन लाइन से नीचे रहने की वजह से, ऐसा क्यों? मेंटेन लेवल गलत बैठा गया, गलत क्यों बैठा गया था? उस समय का डिजाइन ही वैसा था, उसके ऊपर क्या एक्शन लेने सोचा? इसके लिए हमने मेंटेन लेवल मॉडिफिकेशन करने के बारे में सोचा। दूसरा है टेलीस्कोप पाइप चोको बना, टेलीस्कोप पाइप चोको क्यों होता था? टेलीस्कोप पाइप में स्केलिंग पकड़ने की वजह से, स्केलिंग क्यों पकड़ रहा था? इस्तेमाल किए हुए पानी का आठ से ज्यादा रहने की वजह से, ऐसा क्यों? कच्चा पानी इस्तेमाल करने की वजह से, उसके ऊपर क्या एक्शन लेने सोचा? इसके लिए हमने वाटर सबमिट प्लान लगाने के बारे में सोचा। तीसरा है वैक्यूम प्रणाली में रिसाव, ऐसा क्यों? वैक्यूम प्रणाली में जंग पकड़ने की वजह से, जंग क्यों पकड़ रहा था? वैक्यूम प्रणाली के लिए माइल स्ट्रिप पाइप इस्तेमाल करने की वजह से, माइल स्ट्रिप पाइप यूज कर रहा था, उस समय का डिजाइन ही वैसा था, उसके ऊपर क्या एक्शन लेने सोचा? इसके लिए हमने वैक्यूम प्रणाली माइल स्टील से स्टेनलेस स्टील में बदलने के बारे में सोचा। और चौथा कारण है वैक्यूम वाल्व ऑपरेट ना होना, वैक्यूम वाल्व क्यों ऑपरेट ना होता? वैक्यूम वाल्व ऑपरेट होने के लिए एयर ना मिलना, एयर क्यों नहीं मिलता? वैक्यूम वाल्व का जो सोलेनोइड है वो ऑपरेट ना होने की वजह से, सोलेनोइड ऑपरेट क्यों नहीं होता? सोलेनोइड वाल्व जाम होने की वजह से, सोलेनोइड वाल्व जाम क्यों होता? सोलेनोइड वाल्व में नमी रहने की वजह से ऑपरेट नहीं होता था, उसके ऊपर क्या एक्शन लेने सोचा? इसके लिए हमने एयर ड्रायर प्रोवाइड करने के बारे में सोचा। बेहतर सुझाव के लिए हमने फिर चर्चा सत्र का आयोजन किया, उस चर्चा सत्र के लिए पहला कारण था मेन ड्रेन नॉट इफेक्टिव, इसके लिए हमने मेन ट्रेनर मॉडिफिकेशन करने के बारे में सोचा। इस वजह से मेन ट्रेनर ऊपर से नीचे लेने के बाद पानी ग्रेविटी की मदद से जल्दी निकलने में मदद हो सकती है। दूसरा है टेलीस्कोप पाइप चोको बना, इसके लिए हमने वाटर सबमर्ज प्लांट लगाने के बारे में सोचा। वाटर सबमर्ज प्लांट लगाने की वजह से पानी की हार्डनेस सुनिश्चित करने के बाद पाइपलाइन में स्केलिंग ना पकड़कर पानी जल्दी से जल्दी निकलने में मदद हो सकती थी। तीसरा है वैक्यूम प्रणाली में रिजर्व, वैक्यूम प्रणाली में रिजर्व, इसके लिए हमने माइल स्टील पाइप की जगह स्टेनलेस स्टील पाइप इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। इस वजह से वैक्यूम प्रणाली में जो रिजर्व है वो काफी तरह से बंद होने में मदद हो सकती थी। और चौथा है वैक्यूम वाल्व ऑपरेट ना होना, इसके लिए हमने एयर ड्रायर लगाने के बारे में सोचा। एयर ड्रायर लगाने के बाद सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट होने में आसानी हो सकती थी और उस वजह से वैक्यूम का दबाव बनाए रखने में मदद मिल सकती थी। इसी तरह से हमने जो कार्य करने के बारे में सोचा है वो कार्य करते समय कौन कौन सी घटनाएं आ सकती है, उस संदर्भ में चर्चा सत्र का आयोजन किया। उस चर्चा सत्र का पहला एक्शन था मेन ट्रेनर ऊपर से नीचे लेना, इस वजह से मेन ट्रेनर के पाइप लाइन में जंग पकड़ने की संभावना थी। इसके बाद पाइप लाइन को जंग और गर्मी रोधक पेंट लगाने के बारे में सोचा। दूसरा एक्शन है वाटर सॉफ्टनर प्लांट लगाना, वाटर सॉफ्टनर प्लांट लगाने के बाद वाटर सॉफ्टनर प्लांट को पर्याप्त जगह ना मिलना और खर्चे में बढ़ोतरी होने की संभावना थी। हमारे पास पर्याप्त जगह तो थी और खर्चे से ज्यादा हमको फायदा हो सकता था। तीसरा है वैक्यूम प्रणाली माइल स्टील से स्टेनलेस स्टील पाइप में बदलना, इससे भी खर्चे में बढ़ोतरी होने की संभावना थी लेकिन इससे हमें खर्चे से ज्यादा हमें फायदा हो सकता था। और चौथा है एयर ड्रायर लगाना, एयर ड्रायर लगाने से भी खर्चे में बढ़ोतरी होने की संभावना थी लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इन सब कारणों चार कारणों का हमने डिपार्टमेंट हेड, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ऑपरेटर और प्लानिंग डिपार्टमेंट से चर्चा करके स्मार्ट एनालिसिस किया। आगे की जानकारी हमारे साथ है। वीडियो समस्या का इंप्लीमेंट करने के लिए प्लीज ये डेली साइकिल का इस्तेमाल किया है। पहला इशू था कि हेडर अपना ग्रेविटी का लो टॉप साइड से था, इसके लिए देख सकते हैं हमारा हेडर टॉप साइड में ड्रेन में थोड़ा निकलता था, इसके लिए हेडर और
या मतलब सप्लाई ट्रेन लग रही है एचपी हॉट वाटर जो इंटर मीडिया चला जाता है ड्रेन प्रॉपर नहीं होने से क्योंकि हेड ऑफ टॉप साइड भी है इसलिए ड्रेन नहीं होना इसलिए प्लान किया डायरी से बात किया क्योंकि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होना चाहिए करके तो सभी सही टाइम में 8 घंटे ब्रेक और लेके ये प्लान किया प्लान करने के बाद उसको चेक किया तो काफी रिजल्ट अच्छा मिला और एक प्रेस पे हमने करने के बाद उसका हैक बनाया बाकी प्रेस पे भी कर दिया सेकंड इशू है पहले वाटर सप्लायर अपना नहीं था क्योंकि वाटर सप्लायर का ऐसा इशू था कि लाइन में हमें कोरोजन पकड़ना जाम होना चौका बना ड्रेन भी दिक्कत आता था इसके लिए वाटर सप्लायर एक इंफॉर्मेशन का एक जगह फिक्स कर उसको इंफॉर्मेशन दिया पहले देख नहीं सकते ये लाइन अपना काफी चौका होता था क्योंकि हटने करने से ये इंफॉर्मेशन के बाद हमारा सुधार अच्छा हो गया और इसका रिजल्ट अच्छा मिल गया तीसरा हमारा इशू ये था कि हमारे पास एमएस का लाइन ज्यादा है एमएस का लाइन ज्यादा रहने से ये लीकेजेस और डेली ब्रेकडाउन ज्यादा बढ़ता था ज्यादा ब्रेकडाउन बढ़ने से प्रोडक्ट इफेक्ट होता था इसके लिए एमएस का लाइन चेंज करके उसको एनएस का लगा दिया एसएस का लगा दिया ये देख सकते हैं क्योंकि रेगुलर लीकेजेस काफी बढ़ रहा है ज्यादा इशू था ये भी हम लोग प्लान करके पहले से बात करके सही टाइम लिया और उसका हमने 12 स्टेप लिए हैं। 12 स्टेप की सहायता से हमने ये प्रोजेक्ट पूरा किया है। धन्यवाद।